हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक्स देखा था। आज हम कुछ और डिटेल में देखेंगे, कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस कारण को समझा था कि किन परिस्थितियों में इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। आज हम ये देखेंगे कि इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू थ्रेड्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाँ, तो पूलिंग के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पूलिंग हो सकता है, जिसमें कि क्या हो सकता है कि एक थ्रेड वेट करे और दूसरा थ्रेड जब तक एक्सिक्यूट ना हो तब तक एक थ्रेड वेट करे। हमने एग्जाम्पल लिया था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का। तो पूलिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो पूलिंग को अगर अवॉइड करना हो या कम करना हो, तो जावा जो है वो प्रोवाइड करता है, इंक्लूड करता है, एक एलिगेंट वे इंक्लूड करता है फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक एलिगेंट वे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए जावा प्रोवाइड करता है और उसके कुछ मेथड्स हैं। जैसे मेथड्स हैं आपके, एक मेथड हमारा है वेट, ठीक है। दूसरा मेथड नोटिफाई, और एक और मेथड है नोटिफाई ऑल। इंटरव्यूज़ में फ्रेशर लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे भी इन मेथड्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर फ्रेशर लेवल की बात की जाए तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में क्या डिफरेंस है। और स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि तीनों का वर्क मोर ओवर बहुत डिफरेंट नहीं है, समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप बेसिक्स जान लो तो इसका उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो मेथड्स हैं ये इम्प्लीमेंटेड है एज फाइनल मेथड्स। फाइनल मेथड्स, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स जो जावा में हैं, जिनको कि चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है या चेंज करना सही नहीं होता है, उन्हें एज ए फाइनल डिक्लेयर किया गया है। मतलब मेथड्स भी एक तरह से बोला जा सकता है कि मेथड्स भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स इम्प्लीमेंटेड है एज ए फाइनल। और ये तीनों मेथड्स फाइनल तो हैं, साथ में ये ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग करते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं। कौन से क्लास के मेथड हैं? तो हमारा जो क्लास है ऑब्जेक्ट, तीनों इस क्लास के मेथड्स हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी क्लासेस जावा में हो, प्री डिफाइंड हो, यूजर डिफाइंड हो, ऑब्जेक्ट क्लास उस क्लास हायरार्की में सबसे ऊपर है। मतलब कि जितने भी क्लासेस हैं सबका सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास होगा ही। तो इस तरह से जितने भी क्लासेस हों, वो प्री डिफाइंड हो, यूजर डिफाइंड हो, उनमें ऑटोमेटिकली ये तीनों मेथड्स वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। कोई भी क्लास हो, मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो ऑल द क्लासेस इन जावा हैव दीज थ्री मेथड्स, वेट, नोटिफाई एंड नोटिफाई ऑल, ठीक है। अब एक कंडीशन है यहाँ पर। कंडीशन क्या है कि ये तीनों मेथड्स जो हैं वो कॉल तो होंगे, मेथड्स है तो कॉल तो होंगे, बट सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट से ही कॉल होंगे। मतलब कि सिर्फ एप्लीकेबल होंगे सिंक्रोनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड कॉन्टेक्स्ट से ही ये तीनों मेथड्स बिलोंग करते हैं। बाकी किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में इन मेथड्स को कॉल नहीं किया जा सकता है। सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हो, सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स हो, उनके भीतर से ही आप कॉल कर सकते हो। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कॉन्सेप्चुअली, मतलब कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में ये काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये कोई बहुत एडवांस, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत ही इजी है, क्वाइट सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। कुछ रूल्स हैं इसके जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो उन रूल्स को मैं लिख देता हूँ। तीन बेसिक रूल्स हैं अगर बोला जाए। ये ऐसा कोई तीन प्री डिफाइंड बेसिक रूल्स नहीं है, बट हम तीन भाग में रूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा वेट है, वेट वेट क्या काम करता है, रूल्स मतलब कि तीनों मेथड्स के काम क्या है, इसको हम इसके बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तो ये क्या काम करता है, टेल्स
द कॉलिंग ट्रेड टू गिव अप द मॉनिटर। And go to sleep until some other trade. And go to sleep until some other trade enters the same monitor. Enters the same monitor and call notify। ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा आपको, बट समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो वेट क्या होता है? वेट ये बताता है, कॉलिंग थ्रेड जो है को ये बताता है वेट, कि जो कॉलिंग थ्रेड है मतलब कि जिसके साथ, मतलब कि जो थ्रेड डॉट वेट होगा हमारा, तो ये हमारा यहाँ पर कॉलिंग थ्रेड हो रहा है जिसके साथ हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो ये कॉलिंग थ्रेड को बताता है टू गिव अप द मॉनिटर, कि वो मॉनिटर को गिव अप कर दे। मतलब अगर वो मॉनिटर को यूज़ कर रहा हो, मतलब वो सिंक्रोनाइज मीटर या सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हो, तो वो बाहर आ जाए। एंड गो टू स्लिप अनटिल सम अदर थ्रेड एंटर्स द सेम मॉनिटर। तो ये तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब है कि हाँ बाहर आ जाए और स्लिप मतलब कि पॉज हो जाए। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा थ्रेड उस मॉनिटर में एंटर नहीं करे और नोटिफाई को कॉल नहीं करे। नोटिफाई और नोटिफाई ऑल के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, बट सिंपली बोला जाए तो वेट का क्या काम है? वेट जो है, जब भी एक थ्रेड पे वेट कॉल किया जाएगा तो वो थ्रेड एक तरह से वो एक कहा जाए तो एक तरह से वो पॉज हो जाएगा और वो मॉनिटर से बाहर निकल जाएगा। और तब तक बाहर रहेगा, तब तक पॉज रहेगा, जब तक कि दूसरा थ्रेड मॉनिटर के अंदर नहीं चला जाता है और नोटिफाई मेथड को कॉल नहीं कर देता है। तो मतलब है कि वेट और नोटिफाई मेथड एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, साथ में ही यूज होंगे। तो अगला मेथड जो नोटिफाई है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लें, डिस्कस कर लें। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ये वेक्स अप a trade that called wait on the same object। बहुत अच्छा। हाँ तो नोटिफाई क्या करता है? तो बिल्कुल पिछली स्थिति की आपको आप याद कीजिए कि अगर एक थ्रेड है वो अगर मॉनिटर के अंदर है और उस पर वेट कॉल हुआ है तो वो बाहर जाएगा और तब तक वेट करेगा जब तक कोई दूसरा थ्रेड मॉनिटर में नहीं जाकर उसको नोटिफाई नहीं कर देता है। ठीक है, तो दूसरा थ्रेड जो वेट होने के बाद जो दूसरा थ्रेड मॉनिटर में अंदर जाएगा वो इस नोटिफाई मेथड को कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा, उससे क्या फ़ायदा है? तो ये क्या करेगा, वेक्स अप अ थ्रेड, मतलब एक थ्रेड को वेकअप करेगा, कहेगा कि आप एक्सिक्यूट हो सकते हो, दैट कॉल्ड वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट से ये थ्रेड्स हैं। तो अगर कोई दूसरा थ्रेड जो वेट कंडीशन में है, जो कि पॉज है, और सेम ऑब्जेक्ट मतलब कि सेम ऑब्जेक्ट के जो भी आपके सिंक्रोनाइज मेथड्स हैं या सिंक्रोनाइज ब्लॉक्स हैं उनके कारण वो अगर वेट में गया है, उनसे बिलोंग करता है, तो वो सारा जो थ्रेड है वो वेट कंडीशन से फिर से जो पॉज है वो फिर से आपका प्ले हो जाए, मतलब कि फिर से एक्सिक्यूशन में आ जाए, इसलिए नोटिफाई का यूज़ करते हैं। हाँ मतलब कि सिंपली अगर हम एक मॉनिटर की बात करें, मान लिया जाए कि ये मॉनिटर है, अब इसमें T1 थ्रेड पहले गया, ठीक है, अब इस T1 थ्रेड ने वेट को कॉल किया, तो वेट को कॉल करने के बाद ये T1 थ्रेड जो है वो मॉनिटर छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाहर आकर तब तक वेट करेगा जब तक कोई दूसरा अंदर जाके नोटिफाई को कॉल नहीं करता। मान लिया जाए कि दूसरा थ्रेड T2 अंदर गया और उसने नोटिफाई को कॉल कर दिया, नोटिफाई को कॉल करने के साथ ही ये जो थ्रेड है T1 जो कि पहले से इसमें गया था वो
अब फिर से पॉज होने से की प्रक्रिया से आगे बढ़कर वो प्ले हो जाएगा, मतलब कि एक्सिक्यूशन हो जाएगा। तो नोटिफाई को कॉल करने के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये T1 भी इसके लिए एग्लिजिबल हो जाएगा, फिर हो सकता है कि T2 बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये नोटिफाई हो गया। अब नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। वेट तो काफ़ी हद तक डिफरेंट है, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए। तो इसके बारे में मैं लिख दूँ, काम ये भी लगभग सेम ही करेगा। वेक्स अप, ध्यान दीजिए, वेक्स अप अ ट्रेड हमने यहाँ पर लिखा है, और ये करेगा वेक्स अप ऑल द ट्रेड्स, ऑल द ट्रेड्स, ये सारे ट्रेड को वेकअप करेगा। किस टाइप के सारे ट्रेड को? हाँ, दैट कॉल वेट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब कि सिंपली अगर बोला जाए तो ये क्या करेगा, उन सारे थ्रेड्स को जो कि जैसे T1 कैसे पहले अंदर था मॉनिटर के अंदर, वेट कॉल करने के कारण बाहर आ गया, तो इस तरह से हो सकता है कि उस पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में बहुत सारे थ्रेड्स हों। अगर मल्टीपल थ्रेड्स हो, अगर एक से ज़्यादा थ्रेड इस तरह से वेट कॉल करने के बाद जो है वेटिंग कंडीशन में हो, तो नोटिफाई ऑल को कॉल करने के कारण वो सारे थ्रेड जो है वो वेटिंग कंडीशन से रेडी फॉर एक्सिक्यूशन स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है वेट नोटिफाई और नोटिफाई ऑल में। हाँ, बट ये समझना है कि जैसे नोटिफाई में तो ठीक है, पहले एक हमारा T1 अंदर था, T1 जो है वेट को कॉल करके बाहर गया और T2 ने नोटिफाई कॉल कर दिया, तो T1 फिर से अंदर जा सकता है। लेकिन अब सवाल है नोटिफाई ऑल में अगर एक से ज़्यादा ट्रेड वेट कर रहे हों और अगर नोटिफाई ऑल कॉल हुआ हो, तो T1, T2, T3 कौन सा अंदर जाएगा? तो ये डिपेंड करेगा नॉर्मली कि प्रायोरिटीज़ क्या है, या फिर कोई एक ही अंदर जाएगा। सिंपली अगर बोला जाए तो कोई एक ही अंदर जाएगा, और ये चीज़ समझने लायक है। हालांकि वेट हमारा जो है वो नॉर्मली तब तक वेट करता है जब तक नोटिफाई या फिर नोटिफाई ऑल, मतलब कि T1 अगर वेट के कारण बाहर आ गया है तो ये तब तक वेट करेगा नॉर्मल कंडीशन में, तब तक, या हालांकि जब तक नोटिफाई या नोटिफाई ऑल कॉल नहीं हो जाता है। बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ रेयर केसेस में, कुछ केसेस में जो ये वेटिंग थ्रेड T1 है, ये नोटिफाई या नोटिफाई ऑल के कॉल किए बिना ही एक्सिक्यूटेबल स्टेट में आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। क्यों? तो इसका कोई बहुत अपेरेंट रीज़न नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि इसका कोई फिक्स रीज़न बताया जा सकता है, कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न पे बेस्ड है ये, ऐसा कुछ हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो चूंकि ये संभावना होती है, तो इसलिए जो जावा को बनाने वाला जो कंपनी है सन माइक्रो सिस्टम, उसने ये रिकमेंड किया है कि वेट जो कॉल हो रहा है, वेट मेथड जो कॉल हो रहा है, वो एक लूप के अंदर कॉल होना चाहिए, और एक कंडीशन होना चाहिए कि किस कंडीशन में ये वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि विदाउट लूप हमने वेट कॉल कर दिया, बेहतर होगा कि वेट को एक लूप के अंदर से कॉल करे किसी कंडीशन पे बेस्ड, और कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वेट का जो ये वेट कंडीशन में है वो अपने आप हट जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे करने से हो सकता है कि बिना नोटिफाई और नोटिफाई ऑल को कॉल किए बिना ही यह चला जाए अंदर, मतलब एक्सिक्यूटेबल स्टेट में आ जाए, और वो सिचुएशन अच्छी नहीं मानी जा सकती है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग डेडलॉक के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।